एक समय में यहाँ पर ये खान साहब का पूरा राज हुआ करता था। आज यहाँ पर हमारे गौ माता जी का राज है। तो भी ये मेन गेट है, बगल में ना एक घर में आपको निर्माण दिखा देता हूँ। ये अवैध निर्माण, ये देख रहे हो, ये अवैध निर्माण रुका हुआ है। देखो ये भी अतिक्रमण है, भी नहीं छोड़ रही। देखो कितने बड़े बड़े सांडों को ना यहाँ पर पकड़ के लाया गया। बड़ी मुश्किल से भैया ने मेरे को अंदर कर दिया गेट से, क्योंकि ना बहुत डर लग रहा है ना इनसे। तो शुरुआत में यहाँ पर काफी विरोध हुआ था, लोगों ने कहा बदबू आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अभी पब्लिक का रिएक्शन क्या है? तो कुछ नहीं है उसमें रिएक्शन, पब्लिक ये कह रही है कि जो भी है सेवा, अच्छी सेवा हो रही है। कि यहाँ पर ना ये टीन सेट बना रखा है, पंखा भी दे रखा है इन्होंने, कितनी अच्छी सुविधा करेगी। यहाँ पर लेटा हुआ है या किसी प्रकार का कोई एनिमल है तो आप उसमें 1962-1962 में आप कॉल कर। गाय गौशाला में नहीं डालते सर? गौशाला में तो इनके लिए गौशाला, जैसे शहर में जो घूम रहे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियोस के साथ। आज की वीडियोस की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के नंतर डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर से, हल्द्वानी शहर के राजपुरा क्षेत्र से करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है, आप ये पीछे देख पा रहे होंगे ऊपर, अस्थाई निराश्रित गौवंश हेतु गौशाला। मैं गौशाला में आया हूँ। कुछ महीने पहले मैंने यहाँ पर वीडियोस बनाई थी, जब ये गौशाला बना भी नहीं था। उसके बाद जब आधा बना था तब भी बनाई थी। अब यह पूरा बन गया है तब भी बना रहा हूँ। तो अभी मैं बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ। इस गौशाला में कितनी गायें रखी हैं, और यहाँ पर लोगों के, जब जिस समय ये गौशाला बन रहा था उस समय लोगों ने यहाँ पर बहुत ही आपत्ति जताई थी कि यहाँ पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सारा कुछ बोल रहे थे। अब क्या हो रहा है सारा कुछ जानेंगे। तो चलते हैं अभी गौशाला की ओर। अंदर कितनी गायें हैं, शहर में बहुत ही आतंक मचा रखा है इन आवारा पशुओं ने। किसी की जान ले ली है तो किसी का नुकसान कर दिया है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर घट रहा है। तो जितने भी ये गाय आवारा पशु जो भी यहाँ पर घूम रहे हैं, तो आप यहाँ पर नगर निगम को संपर्क करके यहाँ पर डलवा सकते हैं। आप चारा वगैरह अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आज मैं गौशाला दिखाऊंगा, जय गौ माता की लिखे नीचे कमेंट में। तो अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करें, कमेंट लाइक जरूर करिए वीडियोस को। चलते हैं वीडियोस की ओर। भी ये मेन गेट है, आप देख पा रहे होंगे गौशाला का ये मेन दरवाजा है यहाँ पर। और ये अस्थाई निराश्रित गौवंश हेतु गौशाला नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम का ये गेट बना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारी गायें रखी हुई है। तो ये बाउंड्री बन चुकी है, आप देख रहे होंगे यहाँ को, ये पूरी बाउंड्री लगभग बन चुकी है। और अंदर कितना काम है, क्या क्या है, सारा कुछ मैं दिखाऊंगा। यहाँ देखो, यहाँ कितने बड़े बड़े सांड हैं, ये देखो कितना बड़ा सांड है, ये देख लो, इनको खुला छोड़ा है। पता नहीं कौन किसको मारेगा, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। पूरी बाउंड्री कर दी गई है, जो बड़े बड़े जो सांड है ना उनको बांध दिया गया है। वो देख लो वहाँ पर बांधा गया है, बहुत तगड़े तगड़े सांड है। बहुत सारे गायें यहाँ पर हैं, ज़रा इधर से चल के मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखो बहुत सारे गायें यहाँ पर हैं। मैं ज़रा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखो वहाँ तक है, ये देखो कुछ गायें यहाँ पर छाया में हैं और कुछ धूप में भी है। देखो उनको पानी पीने के लिए वहाँ पर टैंक वगैरह रखा हुआ है। ये देखिए ये नज़ारे हैं और यहाँ का सीन देखिए, बहुत सारे गाय मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो गाय यहाँ पर इनको ना आप चारा वगैरह दे सकते हो अगर कोई देना चाहता है, और पानी आने की सुविधा यहाँ पर बढ़िया है। ये देखो ये साइड को, जरा मैं वो साइड चल के दिखाता हूँ। गाय गौशाला में नहीं डालते सर? गौशाला में हम लोग अपनी तरफ से खिलाते हैं। तो इनके लिए गौशाला, जैसे शहर में जो घूम रहे वो तो आप बढ़िया करते हैं, खिलाते हैं, मगर जैसे पब्लिक को नुकसान है, रेलवे ट्रैक पे जैसे कचरा खा रहे हैं गाय। तो गौशाला बनाते हैं राजपुरा में? हाँ हाँ हाँ, कोई बाहर से छोड़ रहा है इन गायों को? तो देखिए गाय यहाँ पर ट्रैक बना, पानी की व्यवस्था कर रखी है, सभी चीज़ कर रखा है। आपने तो सही कर रखा है, मगर ये गाय छोड़ कौन रहा है? क्या पता सर कौन छोड़ रहा है, क्या कुछ पता ही नहीं लग रहा है। अच्छा। दो ले जा रहे तो 10 दूसरे दिन नहीं दिख रही है। अच्छा, इनको तो दूसरी जगह डाल रहे हैं ना शायद, शीश महल या नीचे? तीन चार बना रखी है नहीं, यहाँ तो खाली बुल्स के लिए है ना, यहाँ तो खाली वो उसके लिए है, सांडों के लिए। सांडों के लिए गाय ऊपर शीश महल पर है, नीचे गोरापड़ा बेरीपड़ा में है। तो यहाँ पर कितना भूसा लग जाता है आपका? भूसा नहीं, हम तो ये चौखट और खुट्टी मंगाते हैं, हम भूसा नहीं मंगाते। अच्छा, अपनी तरफ से मंगाते हैं। अब ये मंदिर की तरफ से है, यहाँ जो जितने भगत हैं वो लोग सब मिक्स करके मंगाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कब तक निजात पाएंगे फिर इससे अब यार? ऐसे नहीं हो पाएगा संविधान सर। अच्छा, कोई संविधान नहीं हो पाएगा, क्यों 10 ले जा रहे हैं, 20 तैयार हो जा रही है गाय, लोग छोड़ रहे हैं, मतलब दूध देने वाले नहीं है तो छोड़ दे रहे हैं। टेक लगी हुई है, सरकार भी कहाँ तक करे, किसके पीछे लगे।
पीछे साइड का नजारा दिखा रहा हूँ, देखो ये पूरा एरिया जो है ना गायों के लिए रख दिया गया है। देखो यहाँ तक तो इसकी बाउंड्री कर दी गई है, ये देख रहे हो आप। और यहाँ पर पानी के पीने के लिए ये भी बनाया गया है। तो ये देखो पूरे यहाँ पर गंदगी। बगल में ना एक घर में आपको निर्माण दिखा देता हूँ, ये अवैध निर्माण, ये देख रहे हो, ये अवैध निर्माण रुका हुआ है। देखो ये भी अतिक्रमण है, ये अवैध निर्माण रुका हुआ है। ये देखो तो खान साहब का जो बगीचा था ना वो यही है, यही बगीचे को छुड़ा के मुक्त करके यहाँ पर गौशाला बनाया गया है। ये देखो, और यहाँ पर ये जो खान साहब ने ये बिल्डिंग भी बनाई थी, देखो ये भी अवैध है, ये सील है, और यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं होगा। ये देख रहे हो अंदर बड़े बड़े सांड है भाई, कहते हैं ना नगर निगम बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही। देखो कितने बड़े बड़े सांडों को ना यहाँ पर पकड़ के लाया गया अभी बहुत। ये देखो पानी भी पीने के लिए ना इनके लिए अच्छा करा गया है। देखो पानी का टैंकर आता है यहाँ पर और इनको घास फूस उगरा जो भी सारा कुछ दिया जाता है। ये पूरा बंद है, ये देखो अंदर तक बड़े बड़े कितने गायें हैं भाई, बहुत सारे गायें यहाँ पर रख दी गई हैं। कहते हैं नगर निगम काम नहीं कर रहा है, मगर नगर निगम काम कर रहा है भाई। देखो इतने गायें ऐसी पकड़े हैं क्या, अगर काम नहीं कर रहा होता तो इतनी सारी गायें यहाँ डाली नहीं होती। कुछ समय पहले ये कुछ साल पहले यहाँ पर बगीचा हुआ करता था, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हुआ करती थी। इस प्रॉपर्टी को, ये सरकार की ज़मीन थी और इसको अतिक्रमण मुक्त करा के यहाँ पर गायों के रहने के लिए बंदोबस्त किया गया। बहुत ही नेक काम किया है नगर निगम ने ये यहाँ पर। ये देखो बड़ी मुश्किल से भैया ने मेरे को अंदर कर दिया गेट से, क्योंकि ना बहुत डर लग रहा है ना इनसे, क्योंकि ये लोग बहुत खतरा पैदा है ना, क्योंकि इनको बाहर से पकड़ के यहाँ रखा है तो यहाँ भी मार सकते हैं ये। तो बड़ी मुश्किल से ना भैया ने मेरे को अंदर किया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। तो ज़रा यहाँ अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया कर रखा है नगर निगम ने। और ये देखिए ये एरिया है पूरा यहाँ का, और ये भैया का ऑफिस है, ये दिखा है। देखो आपको टिन सेट बना दिया, कितना बेहतरीन बना दिया है। देखिए भैया दिखा रहे हैं यहाँ पर भूसे का जो स्टोर बनाया गया है। देखिए ये भूसा कहाँ से आता है सर, ये सरकार देती है या फिर कोई लोग भी? अच्छा, अगर कोई लोग नहीं देता है? नगर निगम भी देती है। कोई इच्छुक हो जो मतलब चाहता हो कि अपना जैसे कोई जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहता हो बेजवानों के, उससे एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी, उससे आप कुछ भी सेवा दे सकते हैं गवर्नमेंट को। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, तो आप नगर निगम से हैं या फिर खुद से? नगर निगम सर। यहाँ पर कितनी गायें पकड़ी जा चुकी हैं अभी सर से? ये यहाँ पे जो हम लोगों ने बना रखा है ये वाली गौशाला वाली, इसमें हमने रखे हैं सारे सांड, बुल है, तो 119 सांड है अभी तक। 119 सांड विद टैगिंग, इनके एफएमडी पूरी लग चुकी है, मेडिसिन से लेके इनके इंजेक्शन लेके सब कुछ इनके हो चुका है। अच्छा अच्छा, तो ये आपस में मार नहीं करते हैं आपस में? अब लड़ते तो है ही है, जान माल का खतरा तो हमें भी हुआ इस चीज से। तो कैसे बचते हैं आप यहाँ पर? ये लोग तो अपने सिक्योर रहते हैं, बट फिर कहते हैं ना बेजुबान इतना वो होता है कि पहचान लेता है, जिसको जो खाना खिलाता है तो उसको एक बार सूंघ लेता है ना, जैसे डॉग में होता है कि यार ये मेरा मालिक है, तो फिर वो समझ जाते हैं कि यार इन्होंने मेरा भरण पोषण करना है। इस चक्कर में हम भी थोड़ा अवेयरनेस अपने भी रखते हैं, क्योंकि हुआ तो बेजुबान ही। लोग कहते हैं कि नगर निगम गायों को नहीं पकड़ रही है, जगह जगह गायें हैं। अभी मैं जैसे फाटक से आ रहा था, वहाँ पर भी 15-20 गायें थी, अभी भी कह रहे हैं कि नगर निगम पकड़ नहीं रही है और इधर उधर घूम रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें ये है कि जैसे कि हमारी टीम जो है कैचिंग की नगर निगम की, वो पूरी लगी हुई है, और जो गायें हैं ये लोग जो हैं वो अपने ही हैं जो छोड़े हैं। अब ट्रैक्टर्स आ गए, मशीन्स आ गई हैं, तो इनसे काम लेने इन्होंने छोड़ दिया, तो सरकार इनको पाल लिया, भरण पोषण इनका पूरा कर दिया। आप देख सकते हो इस समय बहुत ज़्यादा हैवी है। तो शुरुआत में यहाँ पर काफ़ी विरोध हुआ था, काफ़ी दिक्कतें हुई थी। मैंने शुरू से लेकर अभी तक मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ, कवरेज कर रहा हूँ, लोगों ने कहा बदबू आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो अभी पब्लिक का रिएक्शन क्या है? पब्लिक का कुछ नहीं है उसमें रिएक्शन, पब्लिक ये कह रही है कि जो भी है सेवा, अच्छी सेवा हो रही है, कि जो रोड में थे जहाँ पे इनकी केयर नहीं हो पा रही थी, आज इनको एक जगह मिल गई है, स्थानीय एक जगह मिली है सरकार की, उससे तो यहाँ पे इनका आराम है बिल्कुल, देख सकते हो आप। जैसे अभी हमने एक टीन शेड भी बना रखा है। नहीं नहीं, लोग कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, अस्थाई बोर्ड लगाओ, इन्होंने पहले बोर्ड दूसरा लगाया था वहाँ पर, फिर बोला कि उसमें लिखो अस्थाई करके, बहुत दिक्कत हो रही थी लोगों को, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर, मैंने खुद बातें करी तो बोला यार नहीं होना चाहिए ये वो, काफ़ी विरोध किया। अभी विरोध हो रहा है या कोई दिक्कत नहीं? नहीं विरोध तो नहीं है उसमें, हम कोई कॉमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कर्मचारी हुए ना उसमें, तो हमारा उसमें कोई नहीं। लोग कुछ कह रहे हैं कि आपको यही पूछें, कोई कुछ नहीं कह रहा ना, कोई किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि दिक्कत कुछ है ही नहीं ना। देखो क्या बदबू आ रही है, हम लोग यहाँ पर बदबू आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, खाली एक बोलने का एक बहाना है लोगों का। आते हैं इससे गोबर लेके जाते हैं यहाँ से, तो अपने घर की लिपाई भी करते हैं। अब जिसको जो प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे वैसे तो स्थाई लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक दिन का कितना टन चारा खा जाते हैं?
यहाँ पे हमारे पास आता है 15 क्विंटल आता है, 15 क्विंटल और 7 क्विंटल हमारा भूसा लगता है। अच्छा, डेली का टोटल 7 क्विंटल भूसा। 1 क्विंटल भूसे की कीमत कितनी हुई? अब ये तो मुझे मार्केट के अप्रॉक्स करके फिर भी अनुमानित होगा 800-900 रुपए का। 900 रुपए ना, मतलब 8-10 हज़ार रुपया मतलब पर डे सरकार खर्चा कर रही है, प्लस पानी और जो कर्मचारी है उनका अलग है, मतलब 15-20 हज़ार रुपये पर डे का यहाँ पर खर्चा है। बिजली है, कर्मचारी है, और अब जैसे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि जी अब कुछ कर नहीं रहे, कर नहीं रहे। अब एक चीज मुझे बताओ, जैसे पानी का टैंकर आ रहा है उसमें भी तो डीजल यूटिलाइज हो रहा है, 600 रुपए का तो वही है, तो ये चीज है। चलो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर इन्होंने हमसे बातें भी करी और लोगों ने क्या कहा। हाँ जी सर, मैं हूँ कवल गुजराल। अच्छा अच्छा, जिला उपाध्यक्ष गौ सेवा संघ खलवानी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। फिर हाल तो यहाँ पर है, जब नीचे तीन पानी बन जाएगा तो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्योंकि एक मैंडेटरी, क्योंकि एक शहर के बीच में भी होनी चाहिए, जैसे कभी रात बेरात कभी कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो हमें एक सेवा के रूप में जिसमें एक डॉक्टर आ सके प्रॉपर जगह पे, उसको उपचार मिल सके, तो एक रखनी बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कहीं पर जैसे कोई गाय गिर जाती है, लग जाता है, कहीं पर आवारा पशु मिले, सिर्फ यहाँ पर सांड रहेंगे या फिर और भी रहेंगे? उपचार के लिए हमने एक सिक वार्ड भी बना रखा है वहाँ पे, जैसे कुछ ज्यादा क्रिटिकल स्टेज में आता है, बोलिया कोई काव आती है, तो पहले उसका उपचार करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं पूरा प्रॉपर, देन फिर उसको फिजिकली करवाते हैं। क्योंकि परसों एक ठंडी सड़क में एक गाय के पैर में लग गई थी, तो हम लोग काफी परेशान हो गए थे, किसको फोन करें, क्या करें, रात को 11 बजे की बात है। तो आपके पास कुछ नंबर ऐसा है जो वीडियो के माध्यम से अगर हल्द्वानी की जनता अगर कोई देख रहे हैं इसको, तो आपको कॉल कर सकें या फिर आपको बुला सकें वहाँ पर? देखो रात की सेवा तो रात्रि सेवा में तो ऐसा कोई प्रबंध है नहीं, बट जो हम जो एनिमल लवर्स हैं, जो सारे एनिमल लवर्स हैं, वो मौके पहुंच के उसको मतलब एज यूजुअली बेसिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कुछ नंबर है ऐसा जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं? नंबर हमारे ही एज यूजुअली। आप अपना नंबर दे सकते हैं इसमें? जरा वैसे भी बताइए और वैसे भी मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। 7088888854। इस नंबर पर आप कहीं भी गाय हो हल्द्वानी शहर के अंदर आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ। और गाय अगर आपको रखनी है या फिर कोई आतंक मचा रहा है या कोई ऐसे फालतू गाय छोड़ रहा है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। एक नंबर है जारी जिसमें क्या कहते हैं, हमने ज्ञापन दिया था पशुपालन में कि यार ये जैसे ह्यूमन बीइंग्स के लिए 108 चलती है, तो उसी बिहाफ में एक ये पशुपालन की गाड़ी भी चलनी चाहिए, जिसमें कोई मिसहैपनिंग हो जाती है रोड पर चलते हुए, तो लोगों को नंबर अलॉट नहीं हो पाता है कि जी किस में कॉल करना है, क्या नहीं करना है, तो आप तुरंत किसी भी आपकी जगह पर आपको दिख रही है कोई गौवंश लेटा हुआ है या किसी प्रकार का कोई एनिमल है, तो आप उसमें 1962-1962 में आप कॉल करके उस एम्बुलेंस को अपने उसमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो आपको वो ट्रीटमेंट दे के देन पूरा उपचार करके जाएगी। अच्छा, वो एम्बुलेंस आएगी? हाँ जी, एम्बुलेंस रखी है एक? हाँ जी। अच्छा, नगर निगम ने? नगर निगम की नहीं है, वो पशुपालन की एज यूजुअली, तो वो कवरेज करती है पूरी। तो उसमें डॉक्टर करती है दिन में? उसका टाइमिंग है सुबह 10 से इवनिंग 5। अच्छा, उस बीच अगर आप कॉल करेंगे? हाँ जी, तो वो फ्री रहेंगे। जिस हिसाब से आपको कोई भी आवारा गौवंश दिख रहा है आपकी गली में, जैसे कुछ होते हैं कि यार बहुत हैवी है हम नहीं कर पा रहे, तो उसमें एज यूजुअली बस आपको एक हेल्प की ये नीड होगी कि आप मैन पावर इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर होता है उसमें, और इतनी मैन पावर नहीं हो पाती कि जिसमें आप रस्सी से बांध के उसको कर सकें, वो आपको रस्सी से सब डाल के देंगे, बस अब मैन पावर चाहिए होता है खींचना फिर उसको ट्रीटमेंट करना। अच्छा, कोई दिक्कत हो तो आप ये कर सकते हैं। थैंक यू, आराम से। चलो ठीक, तो गाइस इन्होंने नंबर भी बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इससे बड़ी सेवा और क्या होगी, है ना? पैसा तो चलो मिल रहा है वो अलग चीज़ है। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं आप, 15 क्विंटल लगभग भूसा जाता है, और इन्होंने बात करी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ महीने पहले आया था यहाँ पर मैं, कुछ चुनिंदाएँ ही यहाँ पर गाय थी, आज यहाँ पर बहुत सारी गायें यहाँ पर हैं। 15-20 हज़ार का पर डे का यहाँ पर सरकार इन पर खर्चा कर रही है, और यहाँ पर टिनसेट वगैरह भी बनाया है। तो ये क्या चीज़ है, ऑफिस? अच्छा, तो ज़रा इधर को दिखाता हूँ मैं। कुछ बुल्स तो यहाँ पर बिल्कुल शांत हैं और कुछ बहुत ही तेज तर्रार हैं। तो यहाँ देखिए, इनको जैसे बारिश वारिश हो जाए और कभी जैसे ओले वगैरह भी गिर जाते हैं, हल्द्वानी में इस बार तो ओले गिरे नहीं है, तो यहाँ पर ना ये टिन सेट बना रखा है, पंखा भी दे रखा है इन्होंने, कितनी अच्छी सुविधा करे कि यहाँ पर ये रह सकते हैं अगर बारिश वारिश में कोई दिक्कत हो, और पानी भूसे की सारी सुविधा यहाँ पर है। अगर पेड़ के नीचे रहना चाहते हैं तो एक समय में यहाँ पर ये खान साहब का पूरा राज हुआ करता था, आज यहाँ पर हमारे गौ माता जी का राज है, तो बहुत ही बढ़िया है। देखो इसमें लीची जी भी लगती है क्या? लीची कौन खाएगा सर, अब आप ही खाओगे ना? तो या बेचोगे? नहीं नहीं बेचेंगे नहीं, हम लोग मतलब एज यूजुअली भी उनको ट्रीट भी करते हैं, पानी भी देते हैं, तो फल हमने बोया तो हम लोग खाएंगे। हाँ, अभी खत्म हो गया ना उनका, मतलब ऐसा कुछ है नहीं ना अभी वो लोगों का?
हाँ जी, जैसे आप लोग आए, आप लोग वेलकम के लिए जैसे कुछ कहते हैं जी, पानी सेवा, जैसे आप एज यूजुअली समर के सीजन में होगा तो हम आपको लीची तोड़ के बिना इंजेक्शन के, बिना पेस्टिसाइड्स वाली आपको देंगे प्रॉपर, जैसे पहाड़ से आती है। तो गाइस, अगर यहाँ पर आप भूसा वगैरह देना चाहते हो, कभी आना चाहते हो, गोबर वगैरह लेना चाहते हो, तो आपको ना फ्रूट के समय में फ्रूट भी देंगे, वेलकम करेंगे आपका, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है यहाँ पर। तो जरा इनका यहाँ पर एक ऑफिस भी है, वो भी जरा दिखा देते हैं। देखो जो भी यहाँ पर काम वाम करते हैं लोग, ये देखो आप यही काम करते हो मैडम? अच्छा, आप भी नगर निगम से ही हो? अच्छा, तो यही एरिया आपका खाना पीना जो भी आराम करने का। कितने बजे आते हो सुबह? सुबह 8:30। और रात को, शाम को? रात को कोई नहीं रहता यहाँ? अच्छा, रात को भी रहते हो सर आप? अच्छा 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 तो यहाँ पर गर्म नहीं होता आपको इतना टिन सेट में? बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर आते हैं। फिर मैंने यहाँ का सारा कुछ दिखाया किस तरीके से था यहाँ पर, और हेल्पलाइन नंबर भी है यहाँ पर, आप नंबर से कॉल वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हो। एम्बुलेंस आएगी सीधा और आपको कॉल रिकॉर्ड सीधा देहरादून जाएगी सीएम साहब के पास, सीएम साहब के पास सीधा आपकी कॉल रिकॉर्ड जाएगी। और कहीं पर भी आवारा पशु हैं और किसी को मतलब इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को कुछ दिक्कत हो रही है गाय हाय को, तो सारा कुछ वो ट्रीटमेंट करेंगे। सुबह टाइमिंग बताई दिया भैया ने, तो उस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। मैं भी राजपुरा के गौशाला से वीडियो प्राप्त करते हैं, बहुत कुछ जानकारियाँ मैंने आपको दे दी हैं। हल्द्वानी शहर से जो भी ये वीडियो को देख रहा है, जो भी नंबर मैंने प्रोवाइड किया है, अगर आपको कभी आवारा जानवर कहीं मिले और अगर किसी जानवर को कोई तकलीफ है, तो सारा कुछ आप यहाँ पर कॉल करके रिकॉर्ड करके बोल सकते हैं आप। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल में नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए राजपुरा का जो अस्थाई गौशाला से वहाँ से लेते हैं विदा, बने रहे आप मेरे चैनल में।